हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? इस समय जो है ना, मैं बालकनी में बैठी हूँ। ये देखो बालकनी, ये बाप की बालकनी का व्यू दिखा देते हैं आपको। अच्छी धूप निकली हुई है, ये देखिए धूप अच्छी निकली हुई है। मैं ना बाहर बालकनी में बैठी हूँ, और बालकनी में बैठ के तो ये मेरे हस्बैंड कहते हैं, जा अखबार ले जा और जाके पार्क में बैठ जाए घंटे के लिए। मैंने कहा अब अखबार लेके बैठ जाऊँ एक घंटा, मतलब बैठ जाऊँ तो फिर काम भी तो करना होता है ना, इसलिए मैंने क्या करा, मैं ना बालकनी में बैठ गई हूँ। ये देखिए, ये ना मेरी मेथी पड़ी थी, तो मैंने सोचा धूप में बैठ जाती हूँ बालकनी, मेरे को धूप है ना अभी थोड़ी जाने वाली है बस। और ये सामने मेरा नींबू पानी का गिलास पड़ा है, वही वाला, ठीक है। मैंने इनको बोला अंदर रखो इसको, अंदर अंदर। हेलो व्यूअर्स, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैं ना फिर मैंने सोचा चाय वाय पी ली थी, और ये अपना खेल के आ गए हैं, या जॉगिंग करके जो भी करना है करके आ गए हैं। वॉशिंग मशीन चल रही है, और वो देखो वो पेड़ अच्छा लग रहा है, येल्लो येल्लो वाला, ये सामने मैं बैठी हूँ ना, इसलिए ऐसा व्यू आ रहा है आपको। बस व्यू ही दिखा रही हूँ मैं, धूप निकली हुई है, और मैंने कहा चलो बाहर पार्क में जाके बैठने से अच्छा है कि मैं अपना यहाँ पर बैठ जाती हूँ, ठीक है। ये अपनी मेथी जो है ना, इसको पत्ते निकाल लेते हैं, धूप भी ले लेती हूँ, चाय पी चुकी हूँ, और अब मैं जो है नींबू पानी पी रही हूँ। उसके बाद फिर देखूँगी क्या है। पहले तो मैं क्या करती थी कि एक्सरसाइज पहले ही कर लेती थी, पर आज करी नहीं मैंने अभी तक। अब मैं सोचती पहले काम धंधे पे लग जाते हैं, खाना वाना खा के शाम को कर लूँगी। और ये मेथी काट रही हूँ मैं, साथ में विटामिन डी भी, मतलब मेथी के पत्ते निकाल रही हूँ। मैसे वीरवार को लाए थे, आज देखो मंडे हो गया, तो फिर ये ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ इसको, इसको मतलब पत्ते निकाल देती हूँ। और अभी जाके नाश्ता बनाऊंगी थोड़ी देर में, आधे घंटे तक, तब तक ये काम ख़त्म कर लूँ ना ये वाला, ठीक है। तो आधे घंटे तक नाश्ता बनाऊंगी, और नींबू पानी मैं का बैठे बैठे पी लेती हूँ। चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद किचन में जा। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? इस समय 4:30 हो रहे हैं, खाना वाना हमारा हो चुका है, और मैं ना कल मैंने पूरे घर में ना झाड़ू लगाया था, दो बार लगा था झाड़ू, ठीक है। और अब मैं लगा रही हूँ पोचा, भी हम स्टार्ट हो रखा है मेरा, ये देखो किचन में ही लगा रही हूँ पोचा, ये देखो मैंने पोचा लगा रही हूँ किचन में, पूरे घर में पोचा लगा लेती हूँ, तो मेरी हो जाएगी तो अच्छा लगता है वैसे भी, ठीक है। किचन में ही लगा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो ये वाले आपको पता ही, ये वाले फिर लगाती हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद ना आज भी है ना अपने टेस्ट कराने नहीं गए, क्योंकि ईसीजी कराना था ना, इन्होंने क्या करा सुबह से मुझे एक बार भी नहीं बोला कि ईसीजी कराना है, एक मिनट रुक जाओ मैं जरा एक बंद करती हूँ, हाँ एक बार भी नहीं बोला कि ईसीजी कराना है। जब मैं इनको बोलती थी ईसीजी कराना, करा तो तीन बज गए, अब तो नहीं हो सकता, अति लेट है ऑफिस में, पता नहीं नाटक करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और आज हमारे घर के पास ना पता नहीं वो बांटा है पूरी, हलवा और आलू की सब्जी, तो इन्होंने क्या करा मुझे बताया कि बांट रहे, तो मैंने कहा एक प्लेट ला दो मेरे को, अरे मैं नहीं ला के दूंगा, मैंने बताए बताए क्यों, लालच क्यों दिलवाया, ठीक है। मैं ना उसमें खाना बना रही थी, ठीक है, और उसके बाद जो है ना फिर ये अपने आप ही चले गए ले आए, तो चार पूरियाँ और आलू की सब्जी और क्या कहते हैं वो हलवा, ठीक है, घर के बिल्कुल पास ही मिल रहा था, लोग लेके जा रहे थे तो इन्होंने बालकनी से देख लिया था, ठीक है। तो फिर ला दिया इन्होंने, तो मैंने कहा तुम आधी तुम खा लो, कह रहे मैं नहीं खाऊँगा, मेरे को मना है, अपने आप ही मना है, ठीक है, मैं मत खाओ। मैंने तीन पूरियाँ खा ली, तो चौथी पूरी खुद ही पकड़ ली, कहते मैं खाऊँगा, मैंने कहा तुम्हें तो मना है भाई, तुम कैसे खा सकते हो, है ना, फिर खा ली उन्होंने, मैं कहा चल लेके आए। तो फिर मेरे मेरे को इतना लालच आया, मैंने कहा एक प्लेट और ले आओ, ठीक है एक प्लेट और ले आए, ला के रखी है, पर मैंने रोटी भी एक खा ली थी और तीन पूरियाँ खा ली थी, मेरा पेट बहुत भर गया, मैंने कहा ये जो एक प्लेट पड़ी है ना रात को देख लेंगे गर्म करके खानी होगी, तो पर अभी नहीं खानी मैंने, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मैं पूरी घर में बिल्कुल नहीं बनाती हूँ ना, तो कभी कभी कोई सामने दिख जाए तो फिर लालच तो आ ही जाता है, ठीक है। चलो पोचा पूरे घर में लगाना है, किचन में अभियान चल रहा है पोचा अभियान, ठीक है। अब मैं दो मिनट बात ही कर लेती हूँ, पोछा लगाते लगाते भी काम करते भी बात कर लो, ठीक है। उसके पापा लगे हुए काम करने, वो अपना काम खोल रहे, जा जाना नहीं होता टेस्ट कराने, कोई ना कोई काम खोल के बैठ जाते, कबाड़ी छाटने में लगे हुए, कह रहे शाम को अखबार वो कबाड़ी वाले को बुला के बेचूंगा, मैं बेच तो लो, पर अपना टेस्ट तो कराना जरूरी था ना, वो तो कराना नहीं है, काम नजर आ जाते हजारों तो आएंगे, गुस्सा आता ना फिर, अपना पहले आपकी बॉडी ठीक होगी जो भी तो करोगे। चलो मैं पोछा लगाती हूँ पूरे घर में, बाद में मिलती हूँ। हेलो व्यूअर्स, किचन में आ गई हूँ मैं, टाइम हो रहा है
7:45 हो रहे हैं। बीच में थोड़ा ब्रेक भी ले लिया था, पूरे घर में झाड़ू पोछा हो गया और बाथरूमों में भी मैंने पोछा लगा दिया, बाथरूम भी साफ हैं। और सीढ़ियों में रह गया लगाना झाड़ू पोछा, वो भी नहीं लगाऊंगी, रात को लगाऊंगी, क्योंकि जो है ना दिन में लोग आते जाते रहते हैं, फिर अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है सबकी कॉमन है। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, हस्बैंड जो थे वो कागज छांट रहे हैं बैठ के, जब पूछा था चाय पी लो, कह रहे नहीं पीनी मुझे। और मैं आ गई हूँ किचन में, अभी थोड़े से बर्तन मेरे पड़े हैं वो धोने हैं मुझे, और उसके बाद जो है चाय बनाने लगी अपने लिए। और ये देखो ये नमकीन जो है ना, ये मैंने डब्बे में कल रात को डाल दिया, कल मैंने इनको भेजा था मिक्सी ठीक कराने के लिए, ठीक है। और तो इन्होंने क्या किया, मिक्सी ठीक ही नहीं हुई है, वो उससे फ़ोन भी करवाया था उसके, मतलब वो कह रहा था कि मिक्सी ही आपकी लीक कर रही है, मतलब दोनों इसके जो पार्ट है ना, ये देखो ये इसमें क्रैक आ गया है, दो छोटे वाले में भी आ गया, तो कह रहा कोई फ़ायदा नहीं ठीक कराने का, तो ये देखो लीक भी हो रही है, पानी निकल रहा है, कह रहा कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं ले लो इससे अच्छा, अब पता नहीं नहीं कब लेंगे वो भगवान जाने। तो कल ये क्या करा, फिर काफ़ी देर बाद ही आए थे, बात तो इन्होंने मेरी जल्दी करा दी थी, हाँ पर बहुत देर लगा के आए, मैं कहाँ चले गए पता नहीं। तो ये क्या करा, दो तीन चीज़ें खरीद कर ले आए घूमते घूमते। तो ये एक नमकीन लेकर आए थे, ये मैंने डब्बे में डाल दिया, ये ना एक किलो लेकर आए चिड़वा वाला, इसमें भाई कॉर्नफ्लेक्स और वो मुरमरे डाल है टेस्टी है, पर एक किलो ले आए थे, मैं कहा कितने का कह रहे, 100 रुपये का लाया हूँ। तो मैंने कहा कि वो रेडी वाले से तुमने ले लिया, जो बाहर रेडी वाले होते हैं, कहते नहीं तो दुकान से लिया, और वो मैं कहा कहीं ढका हो ना, ऐसे खुला खुला ना ले लो ना, हम खुद ही बीमार पड़ते हैं, खुला ऐसे ओपन वाला ले लिया। तो कह रहे नहीं ढक के रखा था उसने, तो दुकान से लिया, मैं कहा चल ठीक है। साथ में दो रस के पैकेट ले आए बड़े वाले, 70-70 के रस के पैकेट ले आए थे, और पता नहीं क्या लाए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा। ब्रेड लेकर आए थे कल, कल दिन में ब्रेड लाए थे, फिर रात को दो पैकेट रस के लाए, और ये मुरमरे लेकर आए। मट्ठे कह रहे थे लाने को, मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा छोड़ो उसमें मैदा होता है कोई फ़ायदा नहीं, फिर होती है तो खाई जाती है फिर अगर सामने पड़ी हो तो। चलो मैं ना अब चाय बना लेती हूँ, और इनको मैं पूछ के आई हूँ, तो कह रहे मैंने लेना है मुरमरे खा लूँगा मैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बर्तन इसके बाद धोऊँगी, और उसके बाद जो है ना फिर चाय पीऊँगी, बर्तन धोऊँगी, और उसके बाद रात के खाने का कुछ सोचूँगी, और देखती हूँ और क्या क्या करती हूँ, देखती हूँ। चलो मिलती हैं थोड़ी देर में। रात के 8 बज रहे हैं, और मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, नहीं करो तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मिस हो जाएगी, तो मैंने सोचा कर ही लेती हूँ। 8-20 मिनट साइकिल चलाऊँगी, 10-15 मिनट तक ट्विस्टर करूँगी, और 10 या 15 मिनट करूँगी वो एक्टिंग, 3 चीज़ें हैं मेरे पास, वही करूँगी। और खाए थे पूरियाँ, तो फिर आम खराब हो जाएगा। कल पता क्या मैंने वो बनाए थे, कल क्या कहते हैं मूली के परांठे डबल डबल करके बनाए ना, तो क्या हुआ कि इतने टेस्टी बने, मैंने 2 डबल खा लिए, और फिर मेरा मन लग जा रहा है कि मैं तीसरा भी खा लूँ, ठीक है। हुआ क्या कि फिर मैंने खा के बना ही लिया तीसरा, और इन्होंने खाए थे मेरे ख्याल से इन्होंने भी 2 डबल ही खा लिया है, तो ये थोड़ी देर आगे कहते हैं जो बन रहा है वो मुझे दे दे, तो मैंने फिर इनको दे दिया, फिर मैंने अपने लिए एक और बनाया। पर इतने स्वाद थे ना वो, कि आटे के अंदर भी मूली बना थी और वैसे भी थी, ठीक है, वो इतने टेस्टी थे। 3 डबल इन्होंने खाए, 3 मैंने खाया, फिर रात को ऊपर से नमकीन चावल बना दिए, वो भी इतने स्वाद थे कि बस बज गया होगा बैठने पाया, ठीक है। तो मैंने जब एक्सरसाइज भी ना की, तो फिर तो लगता है जितने हैं उन सभी डबल हो गए, तो फिर मैं इसलिए कर रही हूँ एक्सरसाइज, करनी चाहिए वैसे, जिसमें नागा तो नहीं पड़ना चाहिए ना, कर रहे हो तो करो। हेलो व्यूअर, साइकिल चल गया, अब ट्विस्टर कर लूँ, पूरा गोल गोल घूम जाती हूँ मैं, ठीक है, ट्विस्टर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये पूरा गोल गोल घूम जाती हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं होती, शुरू में 1-2 दिन में हुई थी, और खरीदा थे इसे प्रगति में नाम थे, कई साल पहले पता नहीं कितने का लिया था, ये रेट भी याद नहीं है, शुरू में शौक था करा होगा, बाद में रख दिया थे, ठीक है। अब मैं इसको कर लेती हूँ, 8:20 हो रहे हैं, 10 मिनट तो कम से कम करूँगी, साइकिल शायद मैंने 25 मिनट चला लिया है, चल कोई बात नहीं, और ट्विस्टर पे लग जाओ करने, एक जगह खड़े खड़े भी कर सकते हो, गोल गोल घूम भी सकते हो, कैसे भी कर लो, ठीक है। इसके बाद एक्टिंग प्रो रह जाएगा, वो करूँगी। और आज खाने में मैं कुछ सोच रही हूँ बनाने का, कि वो जो मेथी वो उसकी सब्जी है ना पालक वाली, पालक भुट्टे के दाने, वो 2 बार खा ली हमने, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ और बनाया जाए, पहले सोचा था सूप बनाने का, तो मैंने कहा सूप से पेट ही ना भरा तो फिर मुझे खाना फिर बनाना पड़ेगा, ये तो लफड़ा हो जाएगा भाई। इससे अच्छा तो एक ही तरीका है कि वो जो मैं ना चने की दाल मंगवाई है मैंने, तो
चने की दाल बनाती हूँ उसमें वो पालक डालूंगी, क्योंकि वो पालक और चने की दाल का कम्बिनेशन अच्छा है। के वो जो थोड़ी सी मेरी पालक मतलब बची हुई है, पालक और भुट्टे के दाने, वो सारे उठा के मैं दाल में डाल दूंगी, तो इस तरह से थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और मेरी पालक भी खत्म हो जाएगी। अरे यार ना, अभी मैं दाल को हरी सब्जी मंगा लेती हूँ तो भी खत्म भी करनी पड़ती है। अभी तो मेथी भी पड़ी हुई है मेरी, मेथी मैंने पूरा काट के रख ली है। अब देखो सवेरे क्या करती हूँ। अभी तो वो मूली वाला मेरा भी बैटर भी, मूली का भी सामान पड़ा हुआ है, मतलब कि वो बैटर वाला पड़ा है, मूली वाला आटा भी पड़ा है, तो फिर करूँगी क्या। मेथी का क्या करूँगी, तो कल मेथी की सब्जी बना के रखूँगी, क्योंकि अगर वो सब्जी बन गई तो ख़राब नहीं होगी। फिर उसको एक बार सब्जी के तौर पर खा लेंगे और एक बार फिर आटे में गूंद के बना लूँगी या फिलअप करके बना लूँगी। पर अभी तो मैं उसका काम तमाम करती हूँ, पालक और भुट्टे के दाने का, ठीक है। तो साथ में ना रोटी बना लूँगी, चावल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर चावल जो होते हैं ना ज़्यादा खाए जाते हैं। अभी पेट मेरा पहले ही बहुत हैवी हो रहा है, मतलब भूख नहीं लग रही है। चलो कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। हेलो व्यूअर्स, बज गए 9:10 हो रहे हैं, हो गया मेरा व्यायाम। पहले मुझे लगा था 9:45 हो गए तो मैं डर ही गई, मैं लगता है ज़्यादा ही कर लिया है। तो ज़्यादा क्या करा है, 9:45 करा है सारा, ठीक है। चलो उसको छोड़ो। तो मेरे को तो ये एक बात बतानी थी कि अभी इसके पापा कबाड़ी छांट रहे हैं ना, एक कागज़ तुमको बच्चों की बचपन की कॉपी में से, मतलब एक कॉपी मिली बचपन की, जिसमें हमारी उन्होंने ना स्कूल में अपने वो बनाया था माई फैमिली, उसकी सबकी फ़ोटो लगा रखी थी। मैंने बोला उनको कि ऐसा करो वो फ़ोटो खींच के फैमिली में डाल दो, बच्चे देखेंगे ना कि जब वो छोटे होते थे तो कैसे लगते थे, मतलब पूरी फैमिली के लिए स्कूल वालों ने बोला था कि फैमिली की फ़ोटो लगा, तो उन्होंने लगाई उनके बचपन की, तो अच्छी लगी वो भी, और ताकि वो दोनों देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। दूसरा ही है ना, आज पता क्या हुआ, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, सारे डंडा चढ़ा के रखते हैं, कहते हैं कि सवेरे भी एक्सरसाइज करो और शाम को भी एक्सरसाइज करो, और जो है ना दोपहर को जाके पार्क में एक घंटा बैठ जाओ अखबार लेके, फ्री में विटामिन डी मिल जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी जो है फ्री में मिल जाएगा, दवाई नहीं लानी पड़ेगी, दवाई वैसे अभी तक लाए भी नहीं है पर। और कल शनिवार को भेजा था मैंने इनको, पर वहाँ पे वो कि दूसरा डॉक्टर को दिखा के ले लो, तो वहाँ पे जाके बेचारे लगे रहे, इससे पहले के दो पेशेंट थे, वो पेशेंट जो थे ना वो उनका नंबर आ गया, जैसे इनका नंबर आया डॉक्टर को फोन आया, डॉक्टर ही चला गया पता नहीं क्या सच है, तभी तक मेरी दवाई नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, पर मैंने कहा कि ये अच्छा तरीका है, दो बार एक्सरसाइज करो ताकि मेरा बैंड बज जाए बढ़िया वाला, उसके बाद एक घंटा जाके पार्क में आराम कर लो, वो अखबार पढ़ लो, और उसके बाद जा घर के काम तुम कर लेना सारे, मेरे को करने की लोड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलो मैं ना देखो दाल बना रही हूँ, दाल रख दी है गैस पे, स्लो पे रखी है अभी, चने की दाल धो के और मैं तड़का काट रही हूँ, और तड़का काट के मैं ऐसे ही डाल दूंगी सारा, आज तड़का घी में नहीं लगाऊंगी, विदाउट घी बनाऊंगी दाल सारा, मतलब जो भी तड़के का सारा सामान है ना, ये देखो लहसुन है, प्याज है, अदरक है, और ये लाल मिर्च है बड़ी वाली, ये वाली काट रही हूँ, बाकी उसमें नमक मिर्च मसाला हल्दी सब डाल दिया मैंने, बस ये मैं ऐसे ही तड़का डाल दूंगी और उसके बाद इसको बॉयल कर लूंगी स्लो पे, अभी धीरे धीरे हो रही है स्लो पे, मैं तब तक तड़का ही काट लेती हूँ। चलो फिर मैं ये खाना बना लेती हूँ, फिर बाद में मिलूंगी आपसे, मेरी वीडियो फिर दो लंबी हो जाएगी।